खबर विकासखंड मुख्यालय चितरंगी के शासकीय जगन्नाथ संस्मृति महाविद्यालय से, जहां महाविद्यालय के प्राचार्य राम बिलन प्रजापति के अध्यक्षता में एवं गणमान्य नागरिकों के आतिथ्य में विद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति में 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया, जिसमें प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, सभागार, पुस्तकालय एवं विद्यालय परिसर सहित अन्य विभागों का अतिथियों को भ्रमण भी कराया गया तथा उपस्थित छात्र छात्राओं को नियमित विद्यालय गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति महाविद्यालय चितरंगी में प्रवेश उत्सव मनाया गया है और यहाँ पर प्राचार्य राममिलन प्रजापति सर हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, जो प्रवेश उत्सव मनाया गया है, इनमें क्या क्या गतिविधियाँ की जानी थी, क्या पात्रता की शर्तें थी और एक कब तक में प्रवेश उत्सव संपन्न होना था सर? जी सर, नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए मेरे महाविद्यालय में शासन के मंशानुसार प्रवेश उत्सव मनाया गया। यह प्रवेश उत्सव 3 दिवसीय था। इसमें से प्रथम दिन 1 जुलाई को विद्यार्थियों का गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एवं शिक्षकों की उपस्थिति में स्वागत किया गया एवं विद्यालय में उपलब्ध संख्याएँ, सुचारित पाठ्यक्रम एवं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में परिचित कराया गया और महाविद्यालय का भ्रमण कराया गया। उच्च शिक्षा के लाभ और इनरोलमेंट बढ़ाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी प्रवेश लें, इसके लिए गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, उनके अभिभावक उन्हें एवं विद्यार्थियों को मोटिवेशन दिया गया। इसी के प्रत्यक्ष में दूसरे दिन 2 जुलाई को पुनः प्रवेश उत्सव के क्रम में विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन दिया गया एवं छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के बारे में इससे अवलोकन, जैसे कि प्रयोगशाला आदि का अवलोकन कराया गया। इसी प्रकार से तीसरे दिन 3 जुलाई को महाविद्यालय में संचालित होने वाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, साहित्यिक गतिविधियों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी प्रवेश लें एवं कक्षा संचालित हो गई है, इसके बारे में भी विद्यार्थियों को कक्षा में प्रतिदिन आए और अपना अध्ययन प्रारंभ करें, इसके बारे में विद्यार्थियों को मोटिवेशन दिया गया। तो प्रवेश उत्सव के दौरान अभी तक कुल कितने प्रवेश हो चुके हैं, दर्ज हो चुके हैं? हमारे महाविद्यालय में प्रवेश का क्रम लगातार जारी है और जैसे कि बीए में लगभग 60 से 70 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और अभी इसका लिस्ट, नवीन लिस्ट आने वाली है। तो इसी प्रकार से साइंस और कॉमर्स में भी एडमिशन के अभी थोड़ी सी रफ्तार धीमी है, फिर भी काफ़ी संख्या में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चितरंगी से ओंकार द्विवेदी की रिपोर्ट।